हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं अपना सारा ड्राइंग मटेरियल दिखाने वाली हूँ। मेरे पास कुछ ज़्यादा ड्राइंग मटेरियल नहीं है, जितना है मैं उनसे अपना ड्राइंग करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक मैगी का कंटेनर है, इसको मैंने DIY किया है एंड मैं इस पर ब्रश रखती हूँ। ये कुछ मेकअप ब्रश है, इसको मैं एज ए ब्लेंडर यूज़ करती हूँ एंड ये डस्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। दिस टाइप की पेन से मैं मंडाला आर्ट करती हूँ। ये एक मैकेनिकल पेंसिल है जिनसे मैं आउटलाइन बनाती हूँ। ये कुछ और पेंसिल एंड चारकोल पेंसिल, ये चारकोल पाउडर। व्हाइटनर को मैं हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करती हूँ एंड ये कुछ शार्पनर एंड इरेजर। मेरे पास अभी टॉम्बो मोनो इरेजर नहीं है तो इसलिए मैंने इसको DIY करके बनाया एंड ये पेपर स्टम्प भी मैंने DIY से ही बनाया है। एंड ईयरबड को भी मैं ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करती हूँ। कलर पेंसिल में मेरे पास कैमलिन ट्रायंगुलर कलर पेंसिल है जो 24 शेड में है एंड मेरे पास डोम का भी कलर पेंसिल है जो 12 शेड में है एंड ओनली 25 रुपीज़ का है। एंड इसके साथ मुझे एक फ्री शार्पनर एंड पेंसिल एक्सटेंडर भी मिल गया। ये कुछ स्केच पेन है जो ओनली 20 रुपीज़ का है एंड ये कुछ फेबर कास्टल का कलरिंग पेंसिल है। वाटर कलर में मेरे पास कैमल पोस्टर वाटर कलर है एंड कैमल आर्टिस्टिक वाटर कलर भी है। अगर आप बिगेनर हो तो कैमल पोस्टर वाटर कलर से ही स्टार्ट करना। एक्रेलिक में मैं कैमल आर्टिस्टिक एक्रेलिक कलर यूज़ करती हूँ। आप दिस टाइप का कंटेनर भी ले सकते हैं, ये 20 रुपीज़ पर कंटेनर है। ऑयल कलर के लिए कैमल आर्टिस्टिक ऑयल कलर यूज़ करती हूँ। आप ऐसे टाइप का ट्यूब भी ले सकते हैं, ये 90 रुपीज़ पर ट्यूब है। एंड ऑयल के लिए कैमल आर्टिस्टिक प्योर लिंसिड ऑयल ही बेस्ट है। कलर मिक्सिंग के लिए मेरे पास यहाँ पे 4 पैलेट हैं एंड ये कुछ नोटबुक, कैनवस एंड आर्ट पेपर।